टेडेक्स प्लेटफॉर्म पर क्विज करने वाले सबसे कम उम्र के होने का रिकॉर्ड आश्विक गर्ग ने बनाया, जिनका जन्म 26 सितंबर 2015 को पूर्वी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने टेडेक्स यूरो स्कूल खराड़ी महिलाओं के मंच पर 5 मिनट में देशों और राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों, डायनासोर और अंतरिक्ष से संबंधित सवालों सहित विभिन्न विषयों पर 180 सवालों के जवाब दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 2 महीने और 27 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। अमान, बुजम्बुरा, सिंगापुर, वियना, मनागवा, ओस्लो। एक बच्चे द्वारा आयुर्वेद शास्त्रीय दवाओं पर अधिकतम प्रश्नों के उत्तर देने का रिकॉर्ड थानस्वी सी सुजा ने बनाया, जिनका जन्म 16 जून 2016 को कर्नाटक के जगलूर में हुआ था। उन्होंने गैस्ट्राइटिस, पाइल्स, हार्ट अटैक, बीपी, फाइब्रॉइड, कोरोना, पिंपल्स, पीसीओडी, एक्जिमा, नेजल पॉलिप, ऑस्टियोथायराइटिस, शुगर, डेंगू, थायराइड स्टोन्स, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, माइग्रेन, सिरदर्द, पैर में दरार और प्रोस्टेट समेत दवाओं पर 25 सवालों के जवाब दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 6 महीने और 2 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 18 दिसंबर 2021 को की गई थी। नेजल पॉलिप, अरित्रादि चूर्णा, पाचन अपचारी चूर्णा। सभी एशियाई देशों के नाम रिसाइट करने का रिकॉर्ड इशांक नरवारे ने बनाया, जिनका जन्म 24 मार्च 2015 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 18 सेकंड और 44 मिली सेकंड में 48 एशियाई देशों के नामों का तेजी से पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 8 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा अधिकतम संगीत वाद्य यंत्र को उनके ध्वनियों और चित्रों द्वारा पहचानने का रिकॉर्ड धार्विक ने बनाया, जिनका जन्म 17 मार्च 2020 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने केवल 6 मिनट और 20 सेकंड में 14 संगीत वाद्य यंत्रों को उनकी ध्वनियों से और 8 संगीत वाद्य यंत्रों को उनके चित्रों द्वारा पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 साल 9 महीने और 6 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा चाक नक्काशी द्वारा अधिकतम शिल्पकला की अधिकतम संख्या बनाने का रिकॉर्ड हिमाबिंदु तालापुर ने बनाया, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1994 को अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने फलों के ट्रे, चप्पल, टैप, स्मारक, पक्षियों, सामाजिक संदेशों और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम समेत 125 विभिन्न शिल्पकलाओं को नक्काशीदार किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 दिसंबर 2021 को की गई थी। कर्नाटक संगीत का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक तबला बजाने का रिकॉर्ड कोंडापल्ली चिदंबरा नटराजू ने बनाया, जिनका जन्म 12 मार्च 1976 को आंध्र प्रदेश के कडप्पा में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक संगीत रचनाएं बनाने के लिए 18 तबले बजाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। सबसे लंबी अवधि के लिए एल्बो प्लैंक पोज पलकासन में खुद को रखने का रिकॉर्ड सीमा मेहरा ने बनाया, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1980 को हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। उन्होंने खुद को 1 घंटे 25 मिनट और 4 सेकंड के लिए एल्बो प्लैंक पोज में रखा। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। सभी भारतीय राज्यों के नामों को उनकी राजधानियों और भाषाओं के साथ सबसे तेज गति से सुनाने का रिकॉर्ड एंजेलिन अन्ना जॉन ने बनाया, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 2008 को केरल के कोल्लम में हुआ था। उन्होंने केवल 33 सेकंड और 70 मिली सेकंड में सभी 28 भारतीय राज्यों के नाम, उनकी राजधानियों और भाषाओं के साथ और जिलों की संख्या का पाठ किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक व्यक्ति द्वारा 12 घंटे में अधिकतम पुलअप करने का रिकॉर्ड गगनदीप सिंह ने बनाया, जिनका जन्म 2 दिसंबर 2000 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। उन्होंने 12 घंटे में 3101 पुलअप किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 दिसंबर 2021 को की गई थी।
15 मिनट में सबसे अधिक बच्चों की कहानी की किताबें पढ़ने का रिकॉर्ड रुद्र राजाराम पाटिल ने बनाया, जिनका जन्म 24 सितंबर 2015 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 15 मिनट में 29 बच्चों की कहानी की किताबें पढ़ी। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 2 महीने और 27 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक टैबलेट पर शिशु जीसस की सबसे छोटी मूर्ति को उकेरने का रिकॉर्ड कृष्णलाल एलस ने बनाया, जिनका जन्म 19 अप्रैल 1982 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने डोलोस्टैट दवा टैबलेट पर शिशु यीशु की मूर्ति को उकेरा, जो 14 मिलीमीटर ऊंची और 11 मिलीमीटर चौड़ी थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा गणितीय प्रतीकों की अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड लोगेश्वर ने बनाया, जिनका जन्म 7 अगस्त 2015 को तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में हुआ था। उन्होंने 4 मिनट 54 सेकंड और 58 मिली सेकंड में 125 गणितीय प्रतीकों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 4 महीने और 20 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 दिसंबर 2021 को की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड आयशा फिदा एपी ने बनाया, जिनका जन्म 8 मई 2002 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। उन्होंने A3 आकार की शीट पर रंगीन पेंसिल का उपयोग करके 16.5 इंच गुना 11.5 इंच माप वाला बिशप रेब डॉक्टर वर्गीस चकल्लकल का चित्र बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा उल्टे क्रम में पीरियोडिक टेबल को राइट करने का रिकॉर्ड हर्षिता हजारिका ने किया, जिनका जन्म 4 फरवरी 2015 को डिब्रूगढ़ आसाम में हुआ था। उन्होंने 51 सेकंड में पीरियोडिक टेबल के सभी 118 तत्वों के नामों का उल्टे क्रम में पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 10 महीने और 17 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 दिसंबर 2021 को की गई थी। स्क्रू का उपयोग करके महात्मा गांधी का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड रहरीस पीटी ने बनाया, जिनका जन्म 19 अप्रैल 2003 को पलक्कड़ केरल में हुआ था। उन्होंने प्लाईवुड बोर्ड पर स्क्रू का उपयोग करके 33 इंच गुना 23 इंच माप वाला महात्मा गांधी का चित्र बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक 100 देशों के झंडों की पहचान करने वाला सबसे तेज बच्चा होने का रिकॉर्ड श्रेयांश साई साजन ने बनाया, जिनका जन्म 18 मई 2019 को तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 17 सेकंड में 100 देशों के झंडों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 2 साल 7 महीने और 9 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 दिसंबर 2021 को की गई थी। कीबोर्ड बजाते हुए 15 मिनट में सबसे ज्यादा गाना गाने का रिकॉर्ड विहान वीवी ने बनाया, जिनका जन्म 5 अक्टूबर 2015 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कीबोर्ड बजाते हुए 15 मिनट में 10 गाने गाए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 2 महीने और 22 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 27 दिसंबर 2021 को की गई थी। सभी भारतीय राज्यों, उनकी राजधानियों और भाषाओं के नामों का सबसे तेजी से उच्चारण करने का रिकॉर्ड ऐसे शान्विता ने बनाया, जिनका जन्म 28 जुलाई 2017 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने सभी भारतीय राज्यों, उनकी राजधानियों और उनकी भाषाओं के नाम 1 मिनट और 5 सेकंड में रिसाइट किए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 4 महीने और 28 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 दिसंबर 2021 को की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड सुमित कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 12 फरवरी 1998 को बाराबंकी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 40 घंटे में काले रंग और चूना पत्थर के पाउडर का उपयोग करके
7500 वर्ग फुट क्षेत्र पर लाल बहादुर शास्त्री का चित्र बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 दिसंबर 2021 को की गई थी। सबसे बड़ा पीपर पेगासस बनाने का रिकॉर्ड हर्ष कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 6 नवंबर 2004 को राजस्थान के सिरोही में हुआ था। उन्होंने पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करके 70 नोटबुक पृष्ठों के साथ पेपर पेगासस बनाया, जो 75 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर माप वाला था। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 दिसंबर 2021 को की गई थी। सबसे छोटी उम्र में एक साथ दो गतिविधियां करने का रिकॉर्ड निभा कृष्णा ने बनाया, जिनका जन्म 28 जनवरी 2017 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 41 सेकंड में स्केटिंग करते हुए 17 संस्कृत श्लोकों का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 10 महीने और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 16 दिसंबर 2021 को की गई थी। पंद्रह मिनट में सबसे अधिक पहेली को हल करने का रिकॉर्ड अमन एस अमलजीत ने बनाया, जिनका जन्म 10 मई 2018 को केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उन्होंने 59 पहेली को 3 टुकड़ों से 12 टुकड़ों तक हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 7 महीने और 18 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 28 दिसंबर 2021 को की गई थी। विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति द्वारा फुटबॉल के शीर्ष पर अधिकतम सिटअप्स करने का रिकॉर्ड प्रमोद पीडी ने बनाया, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1983 को केरल के इडुक्की में हुआ था। 70% लोकोमोटर अक्षम होने के बाद भी उन्होंने 29 सेकंड के लिए फुटबॉल पर खड़े होकर अपने शरीर को संतुलित रखते हुए 5 सिटअप्स किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 22 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा एक मिनट में पक्षियों की अधिकतम संख्या को उनके चित्रों से पहचानने का रिकॉर्ड हसीनी अरुण कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 15 मई 2013 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। उन्होंने एक मिनट में लैपटॉप की स्क्रीन पर 78 पक्षियों के चित्रों को देखकर पहचाना। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 8 साल 7 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 30 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा 5 मिनट में सबसे अधिक बंगाली कविताएं सुनाने का रिकॉर्ड अद्रिज रथ ने बनाया, जिनका जन्म 11 मार्च 2018 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। उन्होंने 5 मिनट में 24 बंगाली कविताओं का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 9 महीने और 10 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 21 दिसंबर 2021 को की गई थी। कलाकृति बनाने के लिए बीज की अधिकतम किस्मों का उपयोग करने का रिकॉर्ड मुन्ना जैस्मिन ने बनाया, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 2001 को केरल के वायनाड में हुआ था। उन्होंने मकई, भूरी, मसूर, काले तिल, हरी मिर्च, धनिया, मेथी, सूरजमुखी, बौना, पोर्तुलाका, अश्वगंधा और पिटूनिया समेत 100 किस्मों के बीजों का इस्तेमाल करके पानी जीवन का एक अमृत विषय पर एक कलाकृति बनाई। कलाकृति 100 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर माप वाली थी। कलाकृति को पेंसिल, चिपकाने वाले परतदार उपकरण, मापने वाले टेप और बीजों का उपयोग करके बनाया गया था। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 दिसंबर 2021 को की गई थी। ए अक्षर से शुरू होने वाले अधिकतम शब्दों के साथ रैप गीत गाने का रिकॉर्ड आफताब यासीन मपारा ने बनाया, जिनका जन्म 18 सितंबर 2001 को पनवेल महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट और 30 सेकंड में 203 शब्दों के साथ हर्फ नामक एक रैप गीत गाया, जो ए अक्षर से शुरू हुआ। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 दिसंबर 2021 को की गई थी। सबसे छोटा पैराग्लाइडर होने का रिकॉर्ड रोनाल्ड शेफर्डमा ने बनाया, जिनका जन्म 6 दिसंबर 2016 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 5 साल और 19 दिन की उम्र में सारंगकोट, नेपाल में पैराग्लाइडिंग की।
रिकॉर्ड की पुष्टि 30 दिसंबर 2021 को की गई थी। पांच मिनट में अधिकतम अंक गणितीय गणनाओं को हल करने का रिकॉर्ड अजितेश नलिन कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 25 अप्रैल 2015 को तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में हुआ था, जो वर्तमान में सिंगापुर में रह रहे हैं। उन्होंने आईपैड यू सेटो द्वारा 4 अंक गणितीय संचालन का उपयोग करके जोड़, घटाओ, गुणा और भाग समेत यादृच्छिक संख्याओं की 51 अंक गणितीय गणनाओं को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 8 महीने और 7 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक मिनट में दोनों हाथों का एक साथ विपरीत दिशाओं में रोटेशन करने का रिकॉर्ड शाइन केपी ने बनाया, जिनका जन्म 7 मार्च 2004 को केरल के पलक्कड़ में हुआ था। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर एक मिनट में 254 बार विपरीत दिशाओं में रोटेशन किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 दिसंबर 2021 को की गई थी। सभी एशियाई देशों के नामों को सबसे तेजी से रिसाइट करने का रिकॉर्ड नेहा एस कृष्णन ने बनाया, जिनका जन्म 17 अप्रैल 2015 को केरल के कोट्टायम में हुआ था। उन्होंने 17 सेकंड और 80 मिली सेकंड में 48 एशियाई देशों के नामों को रिसाइट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 8 महीने और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 दिसंबर 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा एक घंटे में सबसे अधिक पहेली को हल करने का रिकॉर्ड क्रिस जैकब सबीन ने बनाया, जिनका जन्म 16 जून 2018 को केरल के एर्नाकुलम में हुआ था, जो वर्तमान में वर्जीनिया यूएसए में रह रहे हैं। उन्होंने एक घंटे में 197 पहेली 811 टुकड़े हल की। इसमें 102 टुकड़े, 33 टुकड़े, 32 4 टुकड़े, 4 24 टुकड़े, 25 23 और 22 टुकड़ा पहेली शामिल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 3 साल 6 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 24 दिसंबर 2021 को की गई थी। सभी भारतीय राज्यों के नामों का उपयोग करके भारत का टाइपोग्राफिक मानचित्र बनाने का रिकॉर्ड सैंड्रा बी ने बनाया, जिनका जन्म 8 दिसंबर 1998 को केरल के पठानमथिट्टा में हुआ था। उन्होंने भारत का एक टाइपोग्राफिक नक्शा बनाया, जहां उन्होंने भारत शब्द के साथ मानचित्र की रूपरेखा तैयार की और 28 भारतीय राज्यों को उनके संबंधित राज्यों के नामों से 28 मिनट और 22 सेकंड में भर दिया। रिकॉर्ड की पुष्टि 29 दिसंबर 2021 को की गई थी। पीरियोडिक टेबल के सभी तत्वों का सबसे तेज पाठ करने का रिकॉर्ड शिवानी वी एस ने बनाया, जिनका जन्म 6 नवंबर 2004 को केरल के कोल्लम में हुआ था। उन्होंने 17 सेकंड और 47 मिली सेकंड में पीरियोडिक टेबल के सभी 118 तत्वों को रिसाइट किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 17 साल 1 महीने और 14 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 20 दिसंबर 2021 को की गई थी। कंपास का उपयोग करके सिंगल A4 शीट पर केरल के अधिकतम मानचित्र बनाने का रिकॉर्ड आदित्य पी ने बनाया, जिनका जन्म 24 अगस्त 2004 को केरल के कन्नूर में हुआ था। उन्होंने कंपास का उपयोग करके सिंगल A4 आकार की शीट पर 11 मानचित्र बनाए। रिकॉर्ड की पुष्टि 25 दिसंबर 2021 को की गई थी। 30 सेकंड में अधिकतम सुपरमैन पुशअप करने का रिकॉर्ड एंटनी देवासिया ने बनाया, जिनका जन्म 27 मार्च 1979 को केरल के इडुक्की में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में 44 सुपरमैन पुशअप्स किए। रिकॉर्ड की पुष्टि 23 दिसंबर 2021 को की गई। 30 सेकंड में कार्टून चरित्रों की अधिकतम संख्या में पहचान करने का रिकॉर्ड के एस परिधि समिति ने बनाया, जिनका जन्म 27 सितंबर 2017 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में 69 प्रसिद्ध कार्टून चरित्रों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 3 महीने और 11 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 जनवरी 2022 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का रिकॉर्ड हर्षिता एस नायर ने बनाया,
जिनका जन्म 29 मार्च 2017 को केरल के पठानमथिट्टा में हुआ था। उन्होंने 1 घंटे 29 मिनट और 46 सेकंड में 250 टुकड़ों वाली एक बड़ी पहेली को हल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 9 महीने और 9 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 जनवरी 2022 को की गई थी। सबसे कम उम्र में डायनासोर की पहचान करने का रिकॉर्ड तरुणिका राजशेखर ने बनाया, जिनका जन्म 5 जुलाई 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, जो वर्तमान में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में रह रही हैं। उन्होंने डायनासोर की 44 प्रजातियों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 1 साल और 6 महीने थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 6 जनवरी 2022 को की गई थी। सबसे तेजी से मुंह से रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बनाने का रिकॉर्ड समरेश मैथी ने बनाया, जिनका जन्म 8 सितंबर 1987 को दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने मुंह में पेंट ब्रश पकड़कर केवल 20 सेकंड में रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बनाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 8 जनवरी 2022 को की गई थी। दीवार के सहारे सबसे लंबे समय तक शीर्ष स्थिति में रहने का रिकॉर्ड मानवी जे मावर ने बनाया, जिनका जन्म 22 फरवरी 2016 को बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने 20 मिनट के लिए दीवार के सहारे खुद को सिरसाना की स्थिति में रखा। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 10 महीने और 16 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 जनवरी 2022 को की गई थी।